चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर के राव स्थित लता मंगेशकर सभागृह IIMT कॉलेज में इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए ग्रुप डायरेक्टर अरुण एस भटनागर ने कहा कि व्यक्तित्व विकास और आत्मनिरीक्षण के दो मुख्य पहलू हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और पहचानते हुए उन्हें दूर करना और उन गुणों को आत्मसात करना है जो हमारे विकास में सहायक हों। डॉक्टर अंकित शाह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या होगी और भारत को जल्द आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरह की तरफ से पहले की गई भविष्यवाणियां भी सही साबित हुई हैं। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ IST ग्रुप का, जिसमें तीनों कॉलेज हैं, IST, IPN, IMR। आज जो हमारा विषय था कि जो 4 साल हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे 4 साल के बाद वो जॉब नहीं रहेंगे जो आज आपको दिख रहे हैं, और ऐसे जॉब आएंगे जो आज नहीं दिख रहे। तो हमको, हमारा जो पूरा एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि बच्चों को योग्य बनाया जाए, उनको प्लेसमेंट के लिए तैयार ना किया जाए बल्कि उनको प्लेसेबल भी हों और साथ में अपना उद्योग खोल सकें, स्टार्टअप खोल सकें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, इसके लिए सशक्त करना। देखिए, स्टूडेंट्स को यहाँ हमने गाइडेंस दी है कि कैसे उनका फ्यूचर जो है स्किल्स बेस्ड मॉडल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए एजुकेशन को आगे ले जाएगा। 4 साल का उनका जो ये कोर्स रहेगा उसके अंदर उन्हें भी फोकस करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल के लिए वो कैसे रेडी रहेंगे।